अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज अभी मैं जा रहा हूँ ऑफिस, सुबह का टाइम हो रहा है। गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ प्राइस बॉन्ड की मार्केट में, जो कि आप 1500 वाले प्राइस बॉन्ड में भी आप लाखों के मालिक बन सकते हो, और 750 वाले के भी प्राइस बॉन्ड में आप लाखों के मालिक बन सकते हो, और 200 वाले भी प्राइस बॉन्ड है, 100 वाले भी प्राइस बॉन्ड है। लेकिन कुछ इसमें एक टॉपिक्स ऐसा है कि आपको कुछ समझना पड़ेगा प्राइस बॉन्ड लेने के, ख़रीदने के टाइम पे और इनाम लगने के टाइम पे और मतलब रिटर्न करने के टाइम पे। काफ़ी लोग जो है ना एजेंटों के पास जाते हैं, बेवकूफ़ बन जाते हैं, तो उनको जो है ना एजेंट उनसे फ़ायदा उठा लेते हैं। और आज मैं आपको पूरा टॉपिक बताऊँगा, समझाऊँगा भी। ओके गाइस, आओ चलते हैं। मेरे पीछे जो है ना अभी बैंक प्लाजा है, और अभी जो है ना मैं यहाँ से भी निकल के जा रहा हूँ प्राइस बॉन्ड की मार्केट। गाइस ये देख लो, आप अपनी किस्मत पे कह लो भाई फरीद भाई के प्राइस बॉन्ड वाले के पास आ जाओ, और अपनी किस्मत पे कह लो भाई 1500 पे आप 30 लाख के भी मालिक बन सकते हो, 750 वाले पे भी आप जो है ना 15 लाख के मालिक बन सकते हो। आप देख लो भाई, अस्सलाम वालेकुम रहमान भाई। वालेकुम सलाम भाई, क्या हाल है। और आप सुनो, ठीक हो। बिल्कुल ठीक है। ये रहमान भाई, आप मुझे ये बता सकते हैं अभी आने वाली कुरानदाजी कौन से प्राइस बॉन्ड की होगी। 15 तारीख को 750 वाली कुरानदाजी होगी। अच्छा, आई थिंक 17 तारीख को होगी क्योंकि संडे की वजह से। अच्छा, और ना इसके फर्स्ट इनाम कितने। इसका फर्स्ट इनाम है 15 लाख रुपये का। 15 लाख का। और सेकेंड इसका 5 लाख का, 3 इनाम। अच्छा, 3 इनाम है 5 लाख के, और अल्लाह भला करे। और तीसरा इनाम कितने का है। 9300 का। 9300 रुपये। और इससे आने वाली जो फिर कुरानदाजी होगी वो 1500 और 100 वाली। 100 वाली की है 15 का। अच्छा, तो और 1500 वाले की जो कुरानदाजी जो अगर होगी, सही है ना, तो उसके फर्स्ट इनाम कितने है उसका। 30 लाख रुपये का इनाम। 30 लाख का इनाम है। और वो 100 वाले की कुरानदाजी का कुछ बता सकते हैं हमारे व्यूवर्स को। 100 वाले की कुरानदाजी 7 लाख रुपये। 7 लाख रुपए की। अच्छा रहमान भाई, जो आपके हाथ में जो प्राइस बॉन्ड है 750 वाले, ये कौन से नंबर पे निकला है। ये 9300 का निकला है। 9300 रुपए का निकला है ये। अच्छा, थर्ड इनाम है। अच्छा अच्छा, चलो मैं अभी जाता हूँ, अभी आगे देखते हैं। अच्छा रहमान भाई, एक बात आपसे और पूछनी थी मुझे कि लोग कहते हैं कि यार ये इसमें इनाम नहीं निकलता है, ये वो फलाना ढिंगाना ऐसी जो है ना, लोग बोलते हैं कि निकलते हैं इनाम लेकिन निकलता नहीं है, आखिर क्या वजह ऐसी। सब कोई झूठ। अच्छा, सब झूठ है। अच्छा, तो निकलते हैं इनाम ऐसे। बिल्कुल ऐसे हेड बैंग है, जेन्युइन केस है। अच्छा, जेन्युइन केस है, मतलब जेन्युइन रीज़न है कि निकल जाते हैं इनाम वगैरह। नसीब अच्छा होना। नसीब अच्छा है, किस्मत का खेल है बस। किस्मत अगर आपका है तो फिर एक निकल जाएगा, किस्मत का खेल है ये। हमारे देखो अंकल बैठे हैं, काफ़ी प्राइस बॉन्ड रखे हैं, पूरी मार्केट है ये प्राइस बॉन्ड की। ये अंकल भी बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं काफ़ी लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं। जिसको भी देखोगे सब प्राइस बॉन्ड के जो है ना कश्मकश में लगे हुए हैं। भाई अपने किस्मत से खेलो भाई, यही आपकी किस्मत है, यही चमका सकते हैं भाई। 1500 पे आपको जो है ना 30 लाख रुपये अगर आपको पहला इनाम लग गया तो आप दुआएँ दोगे मुझे भी और अपने जो है ना आने वाले बच्चों को भी। ये आप देख सकते हैं 1500 वाले में आप 30 लाख के मालिक बन सकते हैं, और 750 वाले में आप 15 लाख के मालिक बन सकते हैं। ये रहमान भाई जो है ना अभी नोट गिन रहे हैं, और ये किसी का जो है ना इनाम के पैसे उसको दे रहे हैं, और ये लग चुका है इनाम। और ये आप देख सकते हैं गाइस, और यही होता है बस भाई, किस्मत अपने किस्मत में खेलो भाई। देख रहे हो, एक भाई भी आया अभी, उसका इनाम निकल गया, जो कि तकरीबन 3 बॉन्ड लेकर आए हैं 750 वाले। और ये अभी इसके पैसे भी ना 9300 के हिसाब से आप रेट करो 3 प्राइस बॉन्ड के। ये है गोल्डन मार्केट, भाई लेने आए हमें प्राइस बॉन्ड लेने के लिए, उसको निकाल के दे रहे हैं। चलो गाइस, अभी मैं चलता हूँ, अभी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। फारूक का व्लॉग लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। ओके, अल्लाह हाफिज़ गाइस।